तो सरकार जो झूठा आश्वासन देते हैं नारी सशक्तिकरण की बात, हम केंद्र का नौकर हैं और हमको मैंने शोषण करता है बिहार के लोग। कुछ होने परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है? रोड बनने से नहीं कुछ होता है, गैस महंगा हो गया है, बाकी चीज को छोड़िए सब कुछ महंगा। 1200 का गैस मिलता है, क्या कह रही हैं? 1200 का गैस मिलता है, हम लोग कहाँ से भाई सिलेंडर दिया था ना, उजलत है दिया, नहीं दिया दिया है वो भी गैस भराता है 1200 रुपया, उसका पैसा नहीं, पैसा ही को बोल रहा है मोदी सरकार, कुछ नहीं किया। एक मिनट मुद्दा की बात सुनिए, हमको महंगाई से कोई लेना देना ठीक नहीं, हमको जरूरत है, हम जितना 800 ड्यूटी करते हैं सरकार का, सरकार की नौकर है, हमको सरकारी मजदूरी चाहिए, सरकार कितना भी महंग कर दे उससे जरूरत नहीं है हमको। बहुत महंगाई है देश में, लेकिन बात कहने की यह है महंगा वो कुछ करे हमको उससे बात नहीं है, क्योंकि हम अपना हक के लिए आए हैं, हम गैस के लिए लड़ने नहीं आए हैं, हमको अपना मांग लेना है। सरकारी कर्मी का अगर दर्जा नहीं मिला हमको सरकार के माध्यम से, तो सरकार जो झूठा आश्वासन देते हैं नारी सशक्तिकरण की बात, मेरी मांग है 10 महीना का जगह 12 महीना का वेतन चाहिए, सम्मानजनक वेतन चाहिए। आप महिला है, गृहिणी है, अन्नपूर्णा है, आप कह रही है कि हमें गैस से मतलब नहीं है, नहीं आप लोग मैंने सवाल इसमें उठेगा ना, सवाल उठेगा जो आप आए हैं अपना मांग करके लेने के लिए, तो आप गैस की मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठाएंगे, इसलिए उठा रहे हैं। योजना तो दी है ना, दी है तो उसमें भी लेता है पैसा ना, सब्सिडी 500 में गैस लेते थे, 500 में गैस लेते थे उसमें सब्सिडी मिलता था, अभी 1200 में लेते हैं तो उसका भी सब्सिडी 1 रुपया नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? अच्छा आप कह रही है लैंगिक शोषण हो रहा है, हमारे साथ बदतमीजी हो रही है, किस तरीके का शोषण हो रहा है? एकदम शोषण हो रहा है, लड़की अगर बाहर निकलता है जींस और टी शर्ट पहन के उसके साथ नारी सशक्तिकरण के बात करते हैं, उसके साथ छेड़खानी होता है, क्यों होता है? आप कपड़ा बनाया छोटा कंपनी में तब ना छोटा कपड़ा पहनते हैं वो लोग, नहीं बनाते नहीं पहनते, अब हमको स्कूल में खटाते हैं 8 घंटा ड्यूटी लेते हैं, उसके बाद आए हैं हम यहाँ यूज हम बोलने के लिए, और दिल्ली के बिहार से लेकर के दिल्ली आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, इतना बुर्बक नहीं है जो घर छोड़ के यहाँ आएंगे हम लोग को यहाँ देखने के लिए, बाल बच्चा को छोड़ कर एकदम वर्किंग है, मध्यान भोजन बनाते हैं मिडिल स्कूल में, राज्य मिड डे मील में, हाँ मिड डे मील में। अच्छा ये अभी एक महिला बता रही थी कि 200 बच्चे होते हैं लेकिन 600 बताए जाते, ऐसा ऐसी धांधली भी हो रही है? ऐसी धांधली होता होगा लेकिन हम लोग इस विद्यालय में नहीं होता है, हम लोग भोजन पे आपके ऊपर आरोप लगते कि अब खाना भोजन जो है आप लोग सही से साफ सफाई से नहीं बनाते हैं, अभी एनजीओ से खाना बन के आता है, एनजीओ की सरकार घुसाया, हम बनाते थे खुद, हम खुद भी खाते बच्चों को भी खिलाते थे, लेकिन अब एनजीओ से खाना आ रहा है, सरकार एनजीओ को दे दिया, ठेकेदारी दे दिया, हम लोग को 55 रुपया रोज देता है, क्यों देता है? हम लेबर खटावे तो 500 रुपया में, हम खटे तो 55 रुपया में, कहाँ के नियम है? अगर जातिगत भेदभाव भी होता है क्या, जो रसोईया पकाने वाली होती हैं उनके साथ जातिगत भेदभाव? जातिगत भेदभाव क्या, स्कूल मनमानी ढंग से रसोईया के साथ होता है, जो अगर आप टाइम से नहीं आइएगा, टाइम से काम नहीं कीजिएगा तो आपको हटा देंगे, आपको नौकरी से हटा देंगे, हम केंद्र का नौकर हैं, हम केंद्र का नौकर हैं, और हमको मैंने शोषण करता है बिहार के लोग, स्कूल का लोग दौरामीन करता है, क्यों करेगा? वेतन बच्चों के लिए काम रखने के लिए रखा जाता है, मास्टर्स लोग भी जो है आपसे काम लेते हैं, साफ सफाई करते हैं ना, तो हम लोग इसलिए साफ सफाई कर देते हैं, विद्यालय है मंदिर है साफ सफाई कर देते हैं, इससे कोई हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति है हमको सरकार से, जो केंद्र का योजना है और केंद्र सरकार हमको कितना कम वेतन में खटा रहे हैं, और मैं पर लंबा चौड़ा भाषण करते हैं, ये कहाँ के नियम है? आप लोग से आग्रह और निवेदन है जिसको बात को बस मैंने पहुंचाइए जहां तक हो, हमें सुन लो, मोदी जी कह रहे हैं 2024 में जो है हमें लाइए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, 24 में नहीं लाना है, नहीं लाना है, क्यों लाएंगे, कैसे नहीं देंगे वोट, हम हैं तो दम है, हम देंगे वोट, उनकी सत्ता है, उनकी सत्ता है, क्या हो गया सत्ता हो गया तो क्या हो गया, सत्ता होने से नहीं होता है, एकदम कर लिए हैं, कैसे नहीं करेंगे, पलट कर देंगे, एकदम पलट देंगे, हाँ एकदम पलट देंगे, कुछ नहीं हम देंगे। चलिए तो ये देखिए तमाम महिलाएं हैं जिनकी जुबानों पर लगातार एक ही लफ्ज है, एक ही आवाज है कि भैया अब जो है तख्ता पलट कर देंगे, चंडी का रूप धारण कर लिया है। सोचिए एक महिला जब तक महिला रहती है, जब तक वो सहती है तब तक सहती है, लेकिन जब एक उग्र रूप जब धारण करती है चंडी का, तो वो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये महिलाएं तमाम महिलाएं लगातार इसी तरीके की मांग डिमांड के साथ कह रही है कि तख्ता पलट कर देंगे, और अब जो महिला शक्ति है, नारी शक्ति है, वो दिखा देंगे कि आखिर क्या होती है ये। इसीलिए तमाम महिलाएं जो गाँव से अलग अलग कस्बों से देहात से
आई हैं, तो वो आज सोचिए इतनी जागरूक हो गई है अपनी मांग डिमांड को लेकर यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर के संसद रोड पर घेराव करने आई हैं और तख्ता पलट करने आई हैं, जो आज ये लगातार कह रही है। और 2024 का चुनाव भी है, तो ये देखिए कि बहुत बड़ा हो सकता है खेल कि यहाँ पर जो तमाम महिलाएं आई हैं और चंडी का रूप जो इन्होंने धारण कर लिया है, उग्र रूप, आप सोचिए महिलाएं हैं, कुछ भी कर सकती हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा।